ओहो क्या बात है, YouTube ब्लैक मनी से इतनी सारी शॉपिंग। यार एक तो गर्मी इतनी ज्यादा बढ़ गई है ना, ऊपर से एसी का रिमोट भी नहीं मिल रहा। पता नहीं यार कहाँ रखा हुआ रिमोट, एक तो मिल नहीं रहा, पंखा भी नहीं चला सकता वरना फिर आवाज़ में दिक्कत आएगी। चलो आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, एक एसी ने दूसरे एसी को सर्दियों में बताओ क्या बोला होगा, बोलो बोलो, मतलब करो कमेंट सेक्शन में सोच के बताओ क्या बोला होगा। अरे यही कि अपना टाइम आएगा। सॉरी यार लेम जोक के लिए। इसके अलावा आज 28 मार्च है और बस अब कुछ दिन ही रह गया है, 3 की मेरी फ्लाइट है। तो काफ़ी लोगों को पता ही होगा ऑलरेडी जो इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं, नहीं भी करते, पिछली वीडियो में बताया था कि मैं इंटरनेशनल ट्रैवल करने वाला हूँ 20-22 दिनों के लिए। और सबसे अच्छी बात जो है वो मैं सोलो ट्रैवल करने वाला हूँ, बैकपैकिंग सीरीज काइंड ऑफ होगी है पूरी की पूरी बजट में, क्योंकि ट्रैवल करना मेरे को जितना कम से कम खर्चा हो सके उतने में। तो मैं किसी फर्स्ट इंटरनेशनल डेस्टिनेशन में जा रहा हूँ, तो उसके लिए काफ़ी सारी शॉपिंग करी है मैंने, तो बहुत सी अनबॉक्सिंग करनी है, फटाफट से दिखाता हूँ वो भी। इसके अलावा काफी चीजें मेरे को प्लान करनी है, टेंशन मतलब सर में चल रही है, उसके पीछे रीजन क्या वो मैं आपको समझाता हूँ। जो मेरी पूरी ट्रिप होने वाली है वो है 22 दिन की, उसमें मैं सबसे पहले कोलालंपुर एक्सप्लोर करूंगा, उसके बाद मैं लंकावी जाऊंगा, लंकावी से मैं वापस कोलालंपुर आऊंगा, कोलालंपुर से मुझे फिर जाना है बाली, बाली में मेरे 9-10 दिन है, और फिर बाली से मैं जाऊंगा जकार्ता, जकार्ता से कोलालंपुर, कोलालंपुर से वापस इंडिया। तो टोटल 22 दिन का ट्रिप है। अब चक्कर ये है इन 22 दिनों में मेरे को टोटल 7 फ्लाइट बदलनी है, और जो सातों की सातों फ्लाइट है वो है एयर एशिया की। और जो एयर एशिया या फिर एयर एशिया जैसी लो कॉस्ट एयरलाइंस है, इसमें आपको सिर्फ कैबिन बैगेज अलाउड होता है, वो भी मैक्सिमम 7 kg का, और आपको चेक इन बैगेज नहीं अलाउड है। तो जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं जल्दी से बताता हूँ, जब आप एक फ्लाइट में बैठते हो तो दो तरह के आप लगेज ले जा सकते हो बैगेज, एक होता है आपका कैबिन बैगेज जो आप अपने साथ ले जाते हो उस प्लेन के अंदर, और सीट के ऊपर एक कैबिन बना होता है वहां पे रख सकते हो, इसकी लिमिट है 7 kg की मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं ले जा सकते, और अंदर आप 2 ले जा सकते हो बैग, और उनकी कुछ स्पेसिफिकेशन होती है कि इतने साइज से बड़ा बैग नहीं अलाउड है। और दूसरा होता है हमारा चेक इन लगेज, उसकी लिमिट होती है 30 किलो इंटरनेशनल के लिए, और डोमेस्टिक के लिए शायद से 20 होती है, मेरा ही फर्स्ट टाइम है इंटरनेशनल तो मुझे पता नहीं है ढंग से कितनी होती है। तो जो ये लो कॉस्ट एयरलाइंस होती है इनमें आपको चेक इन बैगेज नहीं अलाउड होता, अलग से आपको पैसे देके लेना होता है, इसलिए ये एयरलाइंस जो है वो सस्ती होती है। और मेरी सातों फ्लाइट्स एयर एशिया की है, तो सिर्फ मेरे को मैक्सिमम 7 kg अलाउड है, और उसी में मेरे को अपना लैपटॉप, सारे कैमरा की एक्सेसरीज, कैमराज, लैपटॉप का चार्जर, मेरे कपड़े वपड़े सब 7 किलो के अंदर मतलब समेट के एक तरह से रखना है, उससे ज्यादा नहीं करना है। तो ये बहुत बड़ी सरदर्दी है मेरे लिए। तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि मैं क्या क्या ले जा रहा हूँ और मैंने कैसे मैनेज किया 7 किलो के अंदर अंदर, लेकिन उससे पहले जो मैंने सामान मंगाया हुआ काफी चीजें है वो हम अनबॉक्सिंग करते हैं, और उसके बाद फिर ये पूरा सेटअप करेंगे। बहुत सामान है तो एक एक करके करते हैं अनबॉक्सिंग सबकी, साइड में करता हूँ। सबसे पहले ये है मेन चीज हमारी जिसके लिए मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूँ, तो इसको खोलते हैं। वही अपना पुराना अनबॉक्सिंग टूल, मेरी चाबी एक्टिव होगी। तो ये है अपनी मेन चीज, गोप्रो का Hero 7 व्लॉगिंग के लिए खरीदा मैंने नया कैमरा ये। तो इसका मेरे को काफी टाइम से वेट था, काफी टाइम से मैं सोच रहा था कि ये लूंगा, फाइनली आ गया ये। और इस ट्रिप में मैं इसका काफी अच्छे खासे तरीके से टेस्ट करने वाला हूँ, पूरा मजे लेने वाला हूँ इस कैमरा से पूरे के पूरे। इसको साइड में रखता हूँ, अपना दूसरी खोलते हैं। तो मैं पहले बैग दिखा दूँ दोनों की, मैं कौन से ले जा रहा हूँ। एक तो मैं ये कैरी कर रहा हूँ बैग जिसमें मैं अपना लैपटॉप वगैरह सब रखूंगा, ये एक टैक बैग पैक है, यहाँ पे इसमें USB चार्जिंग का भी ऑप्शन है, कहाँ गया। तो यहाँ पे आप अंदर पावर बैंक कनेक्ट करके इससे USB चार्जिंग कर सकते हो अपने फोन वोन की जिस चीज की भी। तो ये तो मैं अब कर रहा हूँ कैरी जिसमें मैं अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह रखूंगा। इसके अलावा ये मैंने एक बैग मंगवाया है फ्लिपकार्ट से, डफल बैग कहते हैं इसे, वाइल्ड क्राफ्ट का है ये। तो इसमें मैं अपने कपड़े रखने वाला हूँ सारे के सारे, काम आएगा ये भी काफी। इसके बाद है ये बॉक्स, ये मैं ऑलरेडी खोल चुका हूँ साइज चेक करने के लिए। शूज है ये वैंस के, ये मैंने शूज मंगवाए हैं, वहां पे पहनूंगा मैं ये। इसको भी साइड में रखते हैं। इसके बाद है ये, इसको फाड़ते हैं देखते क्या निकलेगा। तो इसमें है मेरा 64 GB का मेमोरी कार्ड जो मैंने लिया है अपने GoPro Hero 7 के लिए। तो ये वाला कोई था नहीं मेरे पास छोटे वाला कार्ड, इसलिए मैंने मंगवा लिया, 64 GB का SanDisk का Class 10। इसके बाद है ये भी मैंने खोल रखा है साइज चेक करने के लिए, जो कि Adidas के स्लीपर्स। ये मैं वहाँ पे बीचेस पे जाऊँगा तो शूज पहन के नहीं जा सकता, इसलिए ये स्लीपर्स मंगवाए मैंने फ्लिपकार्ट से। सारे प्रोडक्ट के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, अगर आपको कुछ भी खरीदना आप खरीद सकते हो। ये है अपना अगला पैकेज, तो ये कुछ पर्सनल है अपना,
देख के पता चल ही गया होगा, इसको साइड में रखते हैं। तो अपने ये दो पैकेट और पड़े हैं, फटाफट से इसको भी खोल लेते हैं। इसमें है अपना गोप्रो का माउंट, ये सक्शन कप वाला माउंट है। इसको आप किसी भी विंडो पे या फिर कहीं पे भी लगा सकते हो, कार के बोनेट पे पता नहीं लगेगा कि नहीं लगेगा, लेकिन विंडो पे लग जाता है काफी अच्छे तरीके से। और इसके ऊपर आप कैमरा को माउंट कर सकते हो, छोटे एक्शन कैम को ही कर सकते हो, कहीं DSLR कर दो इसके ऊपर। तो ये बचा अपना लास्ट प्रोडक्ट, इसको भी खोलता हूँ। ये अमेजोन से लिया है। तो ये है अपना यूनिवर्सल ट्रेवल एडाप्टर, क्योंकि बाहर जो है सॉकेट्स इंडिया वाले नहीं होंगे, तो सारी चार्जिंग वगैरह के लिए ये अडेप्टर ले जाना जरूरी है, वहां से बहुत महंगा मिलता वरना। ये मैंने शायद से 300-350 रुपए का खरीदा है अमेजोन से, और इसकी मैं सोच रहा हूँ एक अलग से वीडियो में बता दूं कि कितने कितने पोर्ट। वैसे सारी कंट्रीज के इसमें प्लग है, तो जिस भी कंट्री जाओगे सारे सपोर्टेड है, पीछे लिखा भी है यूरोप वगैरह, USA, जापान, ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड वगैरह सबके है, तो एक अडेप्टर से काम चल जाएगा आसानी से। तो इसको भी रखता हूँ, बस यही सारे थे प्रोडक्ट्स अभी। तो यार आज नेक्स्ट डे है और अब सिर्फ 2 दिन रह गए मेरे को निकलने में, और आज मुझे पैकिंग करनी है दोनों बैग्स की। तो मैं दिखाता हूँ फटाफट से, पहले अपना लैपटॉप वाला बैग जिसमें मैं सारे कैमरा एक्सेसरीज रखने वाला हूँ। तो ये है सारा मेरा लैपटॉप वगैरह का सामान, कैमरा गियर्स वगैरह, और ये आएंगे मेरे इस वाले बैग के अंदर। तो ये इस बैग में मैं सब कुछ सामान डालूंगा। तो सबसे पहले देखें तो ये है मेरा यहाँ पर लैपटॉप का चार्जर, ये है मेरे मोबाइल का चार्जर, ये है मेरा मेन कैमरा जो कि कैनन M50 जिससे मैं शूट कर रहा हूँ, उसका मेन चार्जर मतलब उसकी बैटरीज का। ये है मेरी हार्ड डिस्क 1 TB की जिसमें मैं सारी फुटेज इसको ट्रांसफ़र करूंगा रात को। ये है कैनन का 50mm लेंस जिससे मैं फोटोग्राफी करूंगा। ये है मेरा मेमोरी कार्ड होल्डर, इसके अंदर मेरे सारे कैमरास के एक्स्ट्रा मेमोरी कार्ड्स हैं। ये है गोरिल्ला पॉड, इसके अलावा ये है 2 बैटरीज कैनन M50 की एक्स्ट्रा, एक बैटरी उसमें है, तो टोटल 3 बैटरीज है मेरे पास। ये है मेरा GoPro Hero 7 जो मैंने अभी लिया 1-2 दिन पहले ही। इसके अलावा ये है मेरी फ्लोटिंग स्टिक जो GoPro में लगती है, अगर आप अंडर वाटर शॉट्स लेते हो और आपसे ये छूट जाता है GoPro हाथ से, तो ये जो है इसकी मदद से ऊपर आ जाएगा सरफेस पे पानी के, तो आपका डूबेगा नहीं GoPro। ये है एक एक्सटेंशन क्योंकि मेरे काफ़ी सारे डिवाइसेज है चार्ज करने के, और जहाँ पे भी मैं हॉस्टल लूँगा या फिर फ्लाइट में एक ही सॉकेट होता है हर जगह पे, तो इसको मैं लगा के अपने सारे डिवाइसेज को एक साथ चार्ज कर सकता हूँ। इसके अलावा इसमें सारे GoPro के माउंट्स है, जितने भी तरह के माउंट्स मेरे पास है टोटल। ये है ट्रैवल एडाप्टर, मतलब दूसरी कंट्रीज जाते हैं तो हमारा इंडियन प्लग नहीं लगता, तो ये ऑल इन वन ट्रैवल एडाप्टर है, सारी कंट्रीज़ के इसमें प्लग आपको लग जाएंगे, यहाँ लिखा हुआ है यूरोप का, जापान का, US वगैरह का, तो इसमें सारे आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा ये है एक लॉक, क्योंकि मैं सारी जगहों पे हॉस्टल्स में रहने वाला हूँ, तो वहाँ पे जो लॉकर मिलता है उसमें आपको अपना लॉक लगाना पड़ता है, तो इसलिए ये हरिसन का लिया मैंने, 110 रुपये का था शायद ये। और ये जो एडेप्टर है ये मैंने लिंक दे रखा है, 399 का ये मैंने अमेजोन से ख़रीदा है। सारे प्रोडक्ट्स के मैं कोशिश करूँगा डाल दूँ। इसके अलावा ये है मेरे डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट, वीज़ा वगैरह सब कुछ, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब इस बैग में आएंगे। ये है मेरा लैपटॉप, ये ले जाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हर दिन की फुटेज ट्रांसफ़र करनी है टोटल 22 दिनों के लिए। तो ये है मैकबुक एयर 2017 वाला। इसके अलावा ये है मेरा बैग जो कि मुझे की लाइन ब्रांड ने भेजा था, और इसका एक रिव्यू जल्दी से आएगा आपके पास, और उसी वीडियो में आपको गिव अवे मिलेगा, तो वेट करना, मेन चैनल पे आएगी वो वीडियो। तो ये सारा सामान मेरे को डालना है अपने इस बैग में, फटाफट से करता हूँ मैं इसकी पैकिंग। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो रह गई जो कि क्या है मेरा पावर बैंक, तो इसको भी रख लेता हूँ फटाफट से बैग के अंदर। और अब दिखाता हूँ मैं जिसमें अपने कपड़े ले जाने वाला हूँ और क्या क्या कपड़े ले जा रहा हूँ मैं अगले 22 दिन के लिए। तो ये है मेरे सारे कपड़े अगले 22 दिनों के लिए। सबसे पहले 2 शॉर्ट्स ले जा रहा हूँ मैं यहाँ पर, 7 टी शर्ट्स ले जा रहा हूँ हाफ स्लीव भी क्योंकि वहाँ पर गर्मी होगी काफ़ी, 3 जीन्स ले जा रहा हूँ मैं, और 4 अंडरगारमेंट्स, इसके अलावा एक वो स्लीपर्स है जो बीचेस पे पहनूंगा मैं, और शूज़ तो मैं पहन के जाऊंगा ही। और ये मेरा बैग है जो मैंने वाइल्ड क्राफ्ट का मंगवाया है अमेजोन से, नहीं फ्लिपकार्ट से सॉरी, तो इसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया मैंने। तो अब ये सब कुछ करता हूँ इसमें पैक में फटाफट से। इसके अलावा 6 पेयर मैं एंकल सॉक्स के भी ले जा रहा हूँ क्योंकि बिना सॉक्स के मेरे को शूज़ पहनना बिल्कुल पसंद नहीं है, और एंकल सॉक्स दिखती भी नहीं है, तो ये मैं रख लेता हूँ चल जल्दी से। तो यार अब सबसे इंपॉर्टेंट काम करना है, इन दोनों बैग्स का वेट लेना है मेरे को कि दोनों मिला के 7 किलो से अंदर आने चाहिए, अगर ज़्यादा हो रहा तो मुझे कुछ ना कुछ सामान निकालना पड़ेगा। इसके अलावा मेरे पास जो तो नापने वाला है, वेट नापने वाला है, वो मैकेनिकल वाला है, मैं एक बार बाहर किसी शॉप से भी करवाऊंगा कि जिनके पास डिजिटल होगा ताकि अच्छे से हो जाए, वैसे इससे अंदाज़ा लग जाएगा कि कितने केजीज़ का वेट हो चुका है मेरा। तो फटाफट से मैं नापता हूँ दोनों बैग्स को। सबसे पहले इसका वेट करता हूँ, और ये है जिससे मैं तोलने वाला हूँ, तो लगा लेते हैं इसको। तो ये हो रहा है अराउंड 4.5 किलो, अगर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, तो 4.5 किलो का तो मेरा लैपटॉप वाला ही बैग हो गया। अब कपड़ों वाला मेरे को 2.5 किलो के अंदर अंदर करना है। ये रहा मेरा कपड़ों वाला बैग, इसको भी कर लेते हैं।
तो ये हो रहा है अराउंड, अगर आप देख सकते हो तो 3 किलो का। तो यार लगभग आधा किलो वेट ज़्यादा हो रहा है, तो मैं कुछ करता हूँ मैनेज, क्योंकि 7 किलो से अंदर अंदर ले जाना है मेरे को। तो ये थी मेरी पूरी की पूरी प्लानिंग, जो मेरी फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप होने वाली है। काफ़ी चीज़ें आपको पता चल गई होगी मैं क्या क्या ले जा रहा हूँ, एक्चुअली सभी पता चल गई होगी, और आपको भी मदद हो जाएगी जब आप अपनी फर्स्ट इंटरनेशनल डेस्टिनेशन पर जाओगे और मेरी तरह किसी लो कॉस्ट एयरलाइन के साथ जिसमें 7 किलो ही बैगेज अलाउड होता है। तो यार इस वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं, अब मैं आपको सीधा नेक्स्ट वीडियो में जयपुर ही मिलूंगा, या फिर एक हो सकता है मैं करेंसी एक्सचेंज की वीडियो बनाऊँ। अगर आप चाहते हो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना कि मैं करेंसी कहाँ से एक्सचेंज करवा रहा हूँ, बेस्ट रेट्स आपको दिल्ली में या गुड़गांव में कहाँ से मिल जाएंगे। तो अभी के लिए बाय बाय। Past life.